सब्सक्राइब कीजिए कुलकाता सिटी एक्सप्लोर एवरीथिंग को और क्लिक कीजिए इस बेल के आइकन पर हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोलकाता सिटी एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, कोलकाता में एक न्यू इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्चिंग हुआ है जो जापानीज कंपनी है। तो इससे पहले अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना होता था तो आपके पास बस चार चॉइस होते थे, एक ओकिनावा, दूसरा ओरिबा, तीसरा यो, चौथा हीरो इलेक्ट्रिक। लेकिन अभी आपके पास पांच चॉइस है, एक न्यू स्कूटी जो इलेक्ट्रिक व्हील्स नाम का है, जापानीज कंपनी का है। तो अभी अभी कोलकाता में लॉन्चिंग हुआ है, तो वही वाला उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसका एक मैं स्पीड दिखाने वाला हूँ, उसका चार्जिंग टाइम और माइलेज मैं ये सब बताने वाला हूँ। बाद में मैं इसका स्पीड, माइलेज या चार्जिंग टाइम क्या लगता है उसके बारे में भी एक वीडियो मैं डिटेल में बना दूंगा। तो अभी वही तीन चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और इसका जो सर्विस सेंटर है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका गारंटी वारंटी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और उधर एक रेड कलर का बटन होगा तो उसको आप प्लीज़ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाऊंगा। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ।
शोरूम का मैनेजर हो। हाँ तो आप थोड़ा सा बताओ आपके पास कौन से मॉडल अभी है फिलहाल? अभी हमारे पास हीरो का दो मॉडल है, अभी हीरो का दो है। हाँ, और इलेक्ट्रो व्हील्स का दो मॉडल है। इलेक्ट्रो व्हील्स का दो मॉडल है, नाम बताओ थोड़ा सा इलेक्ट्रो व्हील्स का। इलेक्ट्रो व्हील्स का एक तो है विंग्स और एक तो है डिप। एक विंग्स और दूसरा डिप। अच्छा थोड़ा सा विंग का टॉप स्पीड माइलेज एंड चार्जिंग टाइम? विंग जो है उसका 5 बैटरी का है, उसका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा है, 80 किलोमीटर जाएगा पर चार्ज में, और चार्ज होने में 6-7 घंटा टाइम लगेगा। चार्ज होने में 6-7 घंटा। इसका टॉप स्पीड कितना है? 45। इसका बैटरी वोल्टेज यूनिट? 12 वोल्ट का 5 बैटरी रहेगा और 24 एम्पीयर का। और दूसरा वाले में? दूसरे वाले जो है वो 4 बैटरी का है, 48 वोल्ट और 24 एम्पीयर का ही है, उसमें फुल चार्ज करने से 50 किलोमीटर जाएगा। उसका टॉप स्पीड माइलेज एंड चार्जिंग टाइम? टॉप 30। चार्जिंग टाइम 6 to 8 hours। एंड माइलेज 50 किलोमीटर। ओके, इसका गारंटी वारंटी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। हाँ, एक साल का गाड़ी का और एक साल का बैटरी का रहेगा। गाड़ी में मान लीजिए आपका बैटरी चार्जर ये सब। अच्छा, इस अभी ये फिलहाल एसिड बैटरी में है, इसको बाद में हम लोग लिथियम आयरन बैटरी करना चाहे तो कर सकते। अच्छा, ईएमआई मिलेगा? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, ईएमआई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसका पुर्जा अगर कुछ ख़राब हो जाए तो इसको सर्विस कराने के लिए कहाँ लेंगे? यहाँ पर ही है, आपके इधर ही सर्विस सेंटर है। ओके, अच्छा कोई न्यू कस्टमर अगर ख़रीदने आए तो उसको टेस्ट ड्राइव दे? हाँ बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव दे दो। उसको चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं? सब्सिडी मिलेगा? नहीं, अभी बंद हो गया सब्सिडी बंद हो गया। खरीदने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स हो जाएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड देने से हो जाएगा? ये आपके एक ही शोरूम है कोलकाता में। आप कहाँ से इंपोर्ट करते हो? तो हीरो का जो है वो तो लुधियाना से लाते हैं। हाँ। और जो आप नया इलेक्ट्रोविल्स का लाए हैं जो इलेक्ट्रोविल्स का है किराला से? आप लोग डीलरशिप देते हो? सब डीलरशिप देते हो? और कोई एक्सचेंज ऑफर है आपका इसमें? अभी हीरो के साथ है, हीरो के साथ एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन विल्स का नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई ख़रीदना चाहे तो इसको पेमेंट कैसे करना होगा? कैश भी कर सकते हैं आप, बैंक एनईएफटी भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कार्ड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका टायर के बारे में आप बताओ। इसका जो टायर है वो 16-3 का है, 16 इंच 3 इंच। 16 इंच का थोड़ा बड़ा भी है टायर। हाँ, इसमें ट्यूब है, कहीं भी आप ठीक कर सकते हैं, कॉल कर भी ट्यूब है इसमें। हाँ, आगे पीछे दोनों में ही ट्यूब है। ट्यूब है। और ये वाला जो है इसका ट्यूबलेस है। ये ट्यूबलेस टायर है, आगे पीछे दोनों ही ट्यूबलेस। हाँ, ट्यूबलेस थोड़ा मोटा भी है, चिंता सस्ता से भी अच्छा है, इसका सॉकर भी अच्छा है। सॉकर भी है, वेट कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें कितना वेट फिर भी कैरी कर सकते हैं? दो आदमी अलग अलग आराम से, मतलब 150 kg। एंड इसमें 120 kg। बॉडी पूरा फाइबर बॉडी है, पूरा फाइबर का बॉडी है, और इसमें भी सेम फाइबर बॉडी है। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको इनका सर्विस सेंटर दिखाता हूँ जो काफ़ी पुराना है, आप हालत देख के समझ ही सकते हो। इधर जो सर्विस मैन है ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी एक्सपीरियंस वाला है, तो आपका अगर कोई गाड़ी में दिक्कत होगा तो काफ़ी आसानी से आप सर्विस करा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ इधर सर्विसिंग में है। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों गाड़ी का प्राइस डाल दूंगा और आपको इस शोरूम का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।